नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप है केमिस्ट्री पेज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ केमिस्ट्री के सारे एग्जांपल्स और कुछ टेबल्स। तो बच्चों, नीट के पुराने पेपर देखने से ये पता चलता है कि इस टाइप के टॉपिक से कई बार क्वेश्चन उठ के आया है और आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैंने चैप्टर वाइज किस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जांपल्स है, वो मैंने रखे हैं और एक परफेक्ट पीडीएफ बना के आपको देने वाला। तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस पीडीएफ में क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे आप देखोगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एंटासिड, एंटी हिस्टामिन, ट्रैंक्विलाइजर, इनके एग्जाम्पल कई बार पूछे जाते हैं। भाई एंटासिड सिमेटिडीन है, रानिटिडीन है, एंटी हिस्टामिन ब्रोमो एंड्रामाइन है, टर्फेनाडाइन है, ट्रैंक्विलाइजर के ये सारे एग्जाम्पल है, बारबिट्यूरेट के ये सारे एग्जाम्पल है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग के एग्जाम्पल है। तो इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो एक बार आपको रिवाइज करना है अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जी नैरो होती है, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, क्रोमथेनिकोल, वैनकोमाइसिन एंड ऑफ्लोक्सासिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंड डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इस पर। तो आप आगे बढ़ते हैं पॉलीमर के एग्जाम्पल आपको याद कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, पॉलीअमाइड कौन से होते हैं, पॉलीएस्टर कौन से होते हैं, नेचुरल रबर क्या होता है, सिंथेटिक रबर क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, इसके एग्जाम्पल आपको समझ लें तो ये परफेक्ट पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। बायोमॉलिक्यूल से कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई अमीनो एसिड का टाइप, यानी एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आप वीडियो में जिक्र किया था कि इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं और वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑड, तो वैलिन आइसोल्यूशन, मैथियोनिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान, ये एसेंशियल हुए और बाकी जो बच जाएंगे वो नॉन एसेंशियल हुए। इसी क्रम में विटामिन पर क्वेश्चन आता है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, ए डी ई के, इनके केमिकल नेम आपको याद रखने हैं, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, पाइलोक्विनोल, और इनसे होने वाली डिजीजेस जैसे रिकेट्स और ऑस्टियोमालेसिया विटामिन डी से होता है, हैमरेज विटामिन के की कमी से होता है ना। एक बार तो क्वेश्चन आया था विटामिन बी 12 की कमी से होने वाली कौन सी डिजीज थी, वो थी बच्चों परनीसियस एनीमिया। तो ये सारे विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और इनसे होने वाली डिजीज और इनके केमिकल नेम, तो एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो याद करने में आसानी होगी। सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स के टाइप पर क्वेश्चन आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से है, आयनिक सॉलिड कौन से है, मेटालिक सॉलिड कौन से है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड कौन से होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन फेरोमैग्नेटिक है, कौन एंटी फेरोमैग्नेटिक है, एक्सेट। सॉल्यूशन पर क्वेश्चन एक बार आया था कि राउल्ट लॉस, कौन से पॉजिटिव डाइवेशन करते हैं, कौन से नेगेटिव डाइवेशन करते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या हो। ये सारे मैंने आइडियल सॉल्यूशन लिखे हैं और ये दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, सॉल्यूशन के टाइप कौन से होते हैं, भाई गैसीय सॉल्यूशन कौन से हैं, ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कौन से है ये एग्जांपल याद रखने हैं, और सॉलिड सॉल्यूशन कौन से है ये एग्जांपल याद रखने। सरफेस केमिस्ट्री से एक बार इसी टेबल से क्वेश्चन आया है, सॉलिड और गैस क्या बनाते हैं, एरोसोल बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल लेना। तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा और उसके एग्जाम्पल क्या है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो एक बार आपको रिवाइज। इसी तरह कैटलिस्ट किस प्रोसेस में काम करते हैं, जैसे बच्चों ओस्टवाल प्रोसेस में प्लेटिनम का यूज होता है, हैबर प्रोसेस में आयरन का यूज होता है, मॉलीब्लेटिनम एज ए प्रोमोटर वहां पर काम करता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज होता है, तो ये कई बार पूछा गया है। हाँ, सॉल्व के बारे में कई बार क्वेश्चन आया कि पॉजिटिव चार्ज सॉल्व कौन से होते हैं और नेगेटिव चार्ज सॉल्व कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्व में मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है, जैसे फेरिक, एल्युमिनियम, क्रोमियम, हीमोग्लोबिन है, ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज सॉल है और नेगेटिव चार्ज सॉल इस तरह के होते हैं। फिर मेटलर्जी में ओर के बारे में पूछा जाता है, उसका कंपोजिशन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं आयरन पायराइट की बात करूं तो Fe(S2) इसका फॉर्मूला होता है, मैलेचाइट्स क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, तो ये सारे आपको पढ़ने। रिफाइनिंग से कई बार क्वेश्चन आता है, खासकर जोन रिफाइनिंग से, इलेक्ट्रोलाइसिस से, लिक्विफिकेशन से, डिस्टिलेशन से, इस पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया होता है उसको किस मेथड से हम रिफाइन करेंगे। जैसे टिन को हम रिफाइन करते हैं लिक्विफिकेशन से, जिंक और कॉपर को करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, मॉन्ट प्रोसेस में निकल को रिफाइन किया जाता है,
वन आर्टिल प्रोसेस में जिरकोनियम एंड टाइटेनियम को रिफाइन किया जाता है। हाइड्रोजन में आपको हार्डनेस के बारे में पढ़ना है कि टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है और कौन कौन से मेथड उसको रिमूव करने के काम आता है। इसी तरह परमानेंट हार्डनेस कौन से कंपाउंड की वजह से होती है और कौन कौन से मेथड है जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पढ़ना है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनकी रेंज क्या क्या होती है। जैसे अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करूं तो ये 400 नैनोमीटर से और 750 नैनोमीटर तक होता है। 750 रेड की होती है और 400 वायलेट कलर की होती है। इसी तरह सबसे कम नैनोमीटर वाली गामा रेज है, उसके बाद एक्स रेज है, फिर यूवी है, फिर आईआर है, फिर माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव्स आती है और लास्ट में लॉन्ग रेडियो वेव्स आती है। इनकी रेंज आपको पढ़नी है, इनका ऑर्डर आपको समझना है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल पर कई बार क्वेश्चन आया है, तो बच्चों सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, किसी क्रम में आपको ये ऑर्डर कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको डायग्राम समझ के याद करना है। उसी तरह जो है हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम लाइन से क्वेश्चन आता है कि भाई बामर सीरीज में विजिबल लाइन आती है, लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट एंड, तो कौन कौन सी स्पेक्ट्रम लाइन किस सीरीज में आती है। तो लाइमन की बात करें तो अल्ट्रा वायलेट में, बामर की बात करें तो विजिबल में, और बाकी सारी आईआर से। जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है उन पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 101 वाले का नाम क्या होगा, मेंडेलियम, उसका सिंबल क्या होगा, UNB। इसी तरह 104 वाले का नाम क्या होगा, रदरफोर्डियम, उसका सिंबल क्या होगा, UNQ, है ना। तो इस पर भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसको एक बार समझना। फिर इसी क्रम में थर्मोडायनेमिक्स में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी नेचर पर डिपेंड करती है। इक्विलिब्रियम में आपको पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है कि किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन का पीएच क्या होता है। जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूं तो इसका पीएच 6.8 है, स्लाइटली एसिडिक। ह्यूमन सलाइवा का पीएच 6.4 होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो ये पूरा के पूरा पीडीएफ मैंने आपके सामने रख दिया है, इसको आपको 3-4 बार रिवाइज करना है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, तो जैसा मैंने आपको बोला है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो सीधे ये पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, आप मेरे chemistrypage.in वेबसाइट पर जा सकते हो, वहां पर एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स है, उस पर क्लिक करना, नया पेज खुलेगा, सीधे बॉटम पर आना, इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक वहां आपको मिल जाएगा। अगर कोई परेशानी होती है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।